ये अभी देखो हम रतनगढ़ आए हैं और ये मकान पुराने जमाने के जो मकान है भव्य मकान है यहाँ इधर इधर देखें ये थोड़ा पुराना है। सामने लोग यहाँ घर छोड़ के चले गए हैं और बहुत बड़ी सिटी में जाके रहने लगे हैं। ये बढ़िया मकान है देखो बहुत पुराना है लेकिन इसकी भव्यता और पुराना इतिहास झलक रहा है इसके से। रतनगढ़ का एक ऐसा मकान है जहाँ आज हम अपने भाई के यहाँ ठहरने आए हैं और उन्होंने यह मकान हमें रात ठहरने के लिए जो दिया है इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। बहुत पुराना इतिहास होते हुए भी इसकी जो डिजाइन और उसकी जो मजबूती है वह बहुत अद्भुत और सुंदर है। यहाँ से इसकी सुंदरता देखो बाहर यहाँ प्रवेश द्वार में ये सीढ़ियों से होते हुए ये जो दरवाजा है और इधर ये बालकनी है इधर ये दो मजबूत चबूतरे पुराने समय के बहुत सुंदर और बहुत सुकून देने वाले हैं। पुराने समय में यहाँ लोग घर से नींद से उठ के भी यहाँ बैठ जाते थे और सारा दृश्य दिखाई देता था। साइड में यहाँ बालकनी है इसके अंदर की सुंदरता वो भी अद्भुत है अंदर की सुंदर डिजाइन है। ये दरवाजा देखिए ये दरवाजा उसकी गहराई और उसकी नक्काशी देखती बनती है जो आज के समय में कोई बना भी नहीं सकता। इसकी एक एक चीज इतनी मजबूती से बनाई गई है कितने वर्षों से 50 भारत विभाजन के समय जो लोग यहाँ आए तब भी ये मकान थे और इनकी बहुत सुंदर इतनी मजबूती है और ये इतने स्ट्रांग हैं इनके एक एक गड़ाई और इतनी बढ़िया है। यह दृश्य देखो यह इस मकान के बीच का जो है आंगन क्या परिवार होता होगा बहुत बड़ा परिवार के लिए आनंद का स्थान होता होगा। यहाँ पूरा स्थान यहाँ आसमान झलक रहा है और इस पे जाली लगा दी है फिलहाल लेकिन ये सारे ये रसोई लग रहा है और ये सीढ़ियां है जो स्तंभ है ये बहुत सुंदर और मजबूत है। जो डिजाइन की गई है चित्रकारी की गई है वो भी अद्भुत है जिनके कलर आज तक गायब नहीं हुए हैं कितने वर्षों से ये चल रहा है बरसात में पानी में भी ये कलर इनके खराब नहीं हुए हैं खतरे का है। एक एक दरवाजे की भी कीमत आकी जाए तो मेरे ख्याल से कितने 80,000 के लगभग ऐसे दरवाजे भी होंगे क्योंकि इनकी लकड़ी अद्भुत है और इनकी नक्काशी अद्भुत है जो इतने वर्षों से जरा सा भी खराब नहीं हुए। कमरे इतने अच्छे हैं तो सब में रोशनी का प्रबंध है डिजाइन पता ये वाले डिजाइन है यह डिजाइन एक डिजाइन इतनी महीन डिजाइन है और हर कमरे के बाहर ये दीप स्तंभ रखा गया है बहुत सुंदर दृश्य है। ये चित्रकारी बहुत सुंदर लग रही है छत की चित्रकारी देखिए क्या सुंदर चित्रकारी है हर दरवाजे के ऊपर ये जो नक्काशी है बहुत देखने लायक ये झरोखा हर कमरे में खिड़की है हवा का पूरा प्रबंध है कहीं भी ऐसा नहीं लगता ऐसी भयंकर गर्मी में भी हम यहाँ आए हैं पूरा
ऐसी गर्मी में भी हम यहाँ आए हैं, हमें गर्मी का एहसास नहीं हुआ और यहाँ आके हमें बहुत सुकून मिला है। इसको थोड़ा कलर करके वापस इसको नवीनीकरण किया गया है, लेकिन जो पहले की अंदर की मजबूती है वो आज भी विद्यमान है। और कलर और ये बीच बीच में जो झरोखे हैं बहुत सुंदर एहसास दिलाते हैं। राजा महाराज के समय मैं झांसी गई थी, ये बरामदा, ये बरामदा है, जो डिजाइन यहाँ रखी गई है सेम इसका आधा पार्सन यहाँ पे वैसी डिजाइन है। यह है रसोई लग रही है, जो चूल्हा पड़ा है, एक चूल्हा दिखा, चूल्हा पड़ा है। यहाँ पकाना और इसमें खिड़की भी है, रसोई में भी कोई ऐसा नहीं है कि कोई गर्मी का एहसास हो। बारदाना अनाज भंडार, अनाज भंडार है या पानी का जल स्थान हो सकता है। और यहाँ सीढ़ियाँ है, इसमें सीढ़ियाँ है ऊपर का थोड़ा डिजाइन। नहीं खोलना